हम खड़े हैं इस वक्त यहाँ पर, देख सकते हो इलेक्स हॉस्पिटल पे। यहाँ पर कल एक शख्स की मौत हुई है जिसे कोरोना पॉजिटिव थे, और कल उनकी मौत के बाद यहाँ पर पूरा जो देख सकते हो कि यहाँ पर चारों ओर से यहाँ पर सील कर दिया गया है। किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ छोटे मोटे जो दुकान है वो खुले हुए हैं। बाकी यहाँ पर सैनिटाइज़र भी पूरा इलाकों को किया गया है, क्योंकि इसके जो जम्स है, जो उनके कीटाणु है, वो कहीं भी फैल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर देख सकते हो पुलिस द्वारा यहाँ पर चारों तौर से पूरे बंद कर दिए गए गेट, और किसी को भी वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टोर्स और मेडिकल स्टोर ही सिर्फ खुले हुए हैं, बाकी सारे दुकानों को बंद कर दिए गए हैं, ताकि किसी भी तरह से इस महामारी का जो है वो कहीं फैल न सके। यह जो आ रहा है, यह चेंबूर पुलिस स्टेशन के हद में इनलेक्स हॉस्पिटल है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से पुलिस वालों ने यहाँ पर परिणत किया गया है। चारों ओर से आप देख सकते हो कि किसी भी गाड़ी को अंदर जाने की मनाही है, ताकि कोई भी और पेशेंट इस कोरोना ग्रस्त के द्वारा या कोरोना में चपेट में ना आ सके। यह बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट किया है, और शख्स जो है उम्र उनकी बताई जा रही है 60 से 65 साल के शख्स की मौत हुई है। कोरोना पॉजिटिव थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। इसलिए महाराष्ट्र शासन सब लोगों से अपील कर रहे हैं कि कम से कम घर से बाहर निकले, ताकि यह जो लोग हैं अपने घर में रहे, और लोगों को एक सूचना दी जाती है, महाराष्ट्र पुलिस द्वारा भी दी गई है, कि जो अगर कोरोना की चेन तोड़नी है तो लोगों को घर में ही लॉकडाउन रहना पड़ेगा, जिससे कि कोरोना की चेन टूटेगी और तभी जाकर यह जो कोरोना का जो मसला है, जो कोरोना का जो एक बहुत विकराल रूप ले चुका है, उसे हमें निजात मिल सकेगी। आज महाराष्ट्र में 1400 से ऊपर कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए, और मुंबई में ही लगातार कोरोना पॉजिटिव के लोग बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसलिए मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र शासन तथा भारत सरकार की ओर से अपील की जा रही है कि कम से कम लोग रास्ते पर आए, जो ज़रूरी सामान लेना हो तो ही आए, वरना अपने घरों पर रहे, ताकि कोरोना वायरस लोगों की चपेट से दूर रहे। कैमरामैन संदेश के साथ विक्रम सिंह पुंडीर, SNTV News, मुंबई। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।